हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बताने वाला हूँ जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो दूसरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। साथ ही आज की जो तीसरी घटना है वो मेरे एक व्यूअर ने भेजी है जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप में से बहुत लोग वीडियोस देखते तो है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं ये घटी थी कैफिन नाम की एक महिला के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको कैफिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कैफिन है और ये घटना मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ 2001 में घटी थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने न्यू बक्सवे के पास एक नया घर लिया था। उस नए घर को लेने की खुशी में उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था, जिसमें हम भी इनवाइटेड थे। हमें इतना तो पता था कि उनका घर न्यू बक्सवे में पड़ता है जो कि हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। हम अपनी कार से वहाँ पर जा रहे थे। ये घटना जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये हमारे साथ कैफिन के घर में ही घटी थी। हम न्यू बक्सवे की तरफ जा रहे थे और हमें जाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार उस एरिया में गए थे। वहाँ पर जाते वक्त ढेर सारे बड़े जंगल और पहाड़ पड़ते थे। हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था। हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम किसी तरह लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, फिर हमें लोग दिखना भी बंद हो गए जिनसे हम रास्ता पूछ सकें। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बोट दिखा जो न्यू बक्सवे के लिए रास्ता बता रहा था। उस बोट को देखते ही मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि हमें किस तरफ जाना है। उसके थोड़ी देर बाद हम उनके दोस्त के घर पे पहुंच गए और उन्होंने जब हमसे पूछा कि हमें लेट कैसे हो गया, तब हमने उनको सारी बात बताई कि हम रास्ता भटक गए थे। आधे से ज़्यादा पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और कुछ लोग वापस भी लौट चुके थे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो कुछ ही लोग थे जो कि अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। हमें लेट हो गया था इसलिए हमने भी सोचा कि हम कुछ देर वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। मेरे हस्बैंड के दोस्त जिन्होंने घर लिया था उनका नाम मैथ्यू था। हम जब मैथ्यू के घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और आलीशान था। जहाँ पर उनका घर था उनके घर से काफ़ी दूरी तक और कोई घर नहीं बना हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि वो घर उनको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल गया था। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए मैथ्यू ने हमसे बोला कि हम उस रात वहीं पर रुक जाएं। हालांकि हम रुकना नहीं चाह रहे थे लेकिन उसने हमसे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो हमें रुकना पड़ गया। उनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैं और मेरे हस्बैंड गेस्ट रूम में ही रुके हुए थे और मैथ्यू और उसकी वाइफ अपने रूम में थे। उन दोनों रूम के अलावा उस बड़े से घर में 5 रूम और थे। हम रात में सो रहे थे और रात के करीब 1 बज रहे थे। मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी, मैं रात में पानी पीने के लिए उठी। हमारे रूम में जो बॉटल थी उसमें पानी ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके किचन से पानी ले लूं। जब मैं रूम से बाहर निकली तो मुझे किचन की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैथ्यू का रूम कौन सा है, वरना मैं जाके उसके रूम में नॉक करके उसको जगा के पानी ले लेती। मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। मैं हाथ में पानी की बॉटल पकड़े हुए किचन को ढूंढ रही थी और तभी मुझे कांच का एक ग्लास ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। वो ग्लास नीचे गिर के टूट चुका था। मैं उस आवाज़ को फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ। किचन में एक फ्रिज था जो कि पहले से ही खोला हुआ था। फ्रिज की लाइट जल रही थी। मैं फ्रिज के पास गई तो मैंने देखा कि फ्रिज में पानी की एक भी बोतल नहीं है। मैं दोबारा पीछे घूमी तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक औरत खड़ी है। वो कोई और नहीं
मैथ्यू की बीवी लिंडा थी। उसको देख के मैं चौंक गई थी। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पानी लेने आई थी और यहाँ पर किसी ने कांच का ग्लास अभी नीचे गिराया है। हालांकि वो कांच का ग्लास कहाँ पर गिरा हुआ था मुझे दिख भी नहीं रहा था। मैं उसी कांच के टूटे हुए ग्लास की आवाज़ को फॉलो करते हुए किचन में आई थी, लेकिन अब वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। लिंडा मुझे ऐसे घूर के देख रही थी जैसे उसने मुझे पहले कभी देखा ही ना हो। मैंने लिंडा से बोला कि तुम ठीक हो क्या? उसने कहा हाँ। मैंने उससे बोला कि मुझे पानी चाहिए। उसने मुझे अपने पास से एक बॉटल दी जिसमें पानी भरा हुआ था। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। जब मैंने लिंडा की आंखों को देखा तो वो लाल थी। वो मुझे ऐसे घूर के देख रही थी जैसे वो मुझे मार डालेगी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने लिंडा से बोला गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। उसने मुझसे बोला ठीक है, और फिर मैं धीरे धीरे दोबारा गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। वो मुझे वहीं फ्रिज के पास खड़ी होकर बस घूरते हुए देख रही थी। उसके अलावा उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला। जब मैं किचन से थोड़ा आगे बढ़ी और अपने रूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि लिंडा धीरे धीरे मुझे फॉलो कर रही है। वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी और ऐसे अजीब से बर्ताव क्यों कर रही थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं एक जगह रुक गई। उसने अपने हाथ को पीछे किया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि लिंडा तुम ठीक हो क्या? उसने बोला हाँ। फिर मैंने देखा कि उसने अपने हाथ में कुछ छुपा रखा है। मैंने उससे बोला कि तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा कुछ नहीं, और फिर मुस्कुरा के मुझे देखने लगी। वो एकदम साइको जैसे बिहेव कर रही थी, जैसे कि कोई पागल हो। फिर मैं धीरे धीरे दोबारा कमरे की तरफ जाने लगी, और तभी मैंने पीछे घूम के देखा तो लिंडा के हाथ में एक चाकू था। वो उस चाकू को पकड़े हुए धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं हड़बड़ी में एक रूम के अंदर चली गई। मैं रूम के अंदर गई और मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। लिंडा दरवाजे के बाहर से दरवाजे को नॉक कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब वो ये बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई और भी बोल रहा हो। वो दो आवाज़ें थीं। मैं जिस रूम के अंदर थी उसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उस रूम में एक बेड था और मैंने देखा कि उस बेड पर कोई बैठा हुआ है। मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया हुआ था और बेड पर उल्टा बैठा हुआ था। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दूर दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे उसको देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तब वो अचानक से पीछे घूमा और मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मैथ्यू है, जो मुझे तुरंत घूर के देख रहा था। मैंने मैथ्यू से बताया कि तुम्हारी वाइफ बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। मैथ्यू ने भी मुझे देख के कुछ भी नहीं बोला और वो बस मुझे चुपचाप घूरते हुए देख रहा था और अजीब सी गंदी स्माइल दे रहा था। तब मैथ्यू ने बोला कि तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, ये घर मेरा है। मैंने उससे बोला कि मैथ्यू तुम ठीक हो ना? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा मुझसे बोला कि तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, ये मेरा घर है। मुझे पता नहीं वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। दरवाजे के बाहर से लिंडा लगातार नॉक करे जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं डर की वजह से अपने हस्बैंड को चिल्ला के बुलाने लगी और दरवाजे को मैंने खोल दिया। मैं दरवाजे को झटके से खोल के बाहर निकली और लिंडा ज़मीन पर गिर गई। फिर लिंडा और उसका हस्बैंड मैथ्यू मेरे पीछे चिल्लाते हुए भाग रहा था। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के मेरे हस्बैंड भी रूम से बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि मैथ्यू और लिंडा बहुत अजीब सी हरकतें कर रहे हैं और मेरे पीछे भाग रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोबारा गेस्ट रूम के अंदर घुस गए और लिंडा और मैथ्यू लगातार दरवाजे के बाहर नॉक किए जा रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे घर से निकल जाओ, ये घर हमारा है। उन दोनों की आवाज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की आवाज़ों में कोई और बोल रहा है। वो लोग फिर दरवाजे को तोड़ने लगे। हमें ये तो पता चल गया था कि वो दोनों हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी हरकत क्यों कर रहे थे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीब 5 मिनट तक यही सब चलता रहा और फिर वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गईं और सब कुछ एकदम शांत हो गया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे।
ये पूरा वाकया मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ 1 घंटे के दरमियान हुआ था। हम फिर वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने हिम्मत की और वहीं बेड के पास एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ था, उन्होंने उस डंडे को उठा लिया और फिर हमने हल्के से दरवाजे को खोला। हमने जब दरवाजे को खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, वो पूरा कॉरिडोर खाली था और पूरे घर में अंधेरा था। पावर कट हो चुका था और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मेरे हस्बैंड ने तभी कार की चाबी उठाई और हम लोगों ने कपड़े भी नहीं चेंज किए, हम लोग जिस नाइट सूट में थे उसी नाइट सूट में चुपचाप घर के मेन दरवाजे की तरफ जाने लगे। जब हम घर के मेन दरवाजे की तरफ जा रहे थे तो बीच में ही डाइनिंग एरिया पड़ता था। हम जब धीरे धीरे उस डाइनिंग एरिया के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि लिंडा और मैथ्यू दोनों लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं और घूर के एक दूसरे को देख रहे हैं, और वो भी गुस्से से। उन दोनों के हाथ में ब्लेड थी जो कि वो लोग एक दूसरे के चेहरे पर धीरे धीरे मार रहे थे। वो लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लिंडा या मैथ्यू हैं, ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर के अंदर कोई और घुस गया हो। वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे लेकिन दर्द की वजह से वो लोग चिल्ला भी नहीं रहे थे। उनके चेहरे से साफ साफ खून टपकता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम चुपचाप दरवाजे के पीछे उन दोनों की इस हरकत को देख रहे थे। मैं रोना चाह रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा मुंह दबा दिया था। अगर मेरे रोने की आवाज़ उन लोग तक पहुंच जाती तो वो लोग हमें भी नुकसान पहुंचाते। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो चुके हैं। हम कुछ देर तक वहीं बैठे रहे और करीब 1 घंटे तक वो लोग एक दूसरे को घूर के देखते रहे। उसके बाद वो लोग डाइनिंग टेबल से नीचे उतरे और दोबारा रूम की तरफ जाने लगे। जब वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे थे तो हम लोग कॉरिडोर के साइड में ही छुप गए और वो लोग फिर धीरे धीरे अपने रूम के अंदर चले गए। हम मेन दरवाजे की तरफ गए और हमने दरवाजे को खोला और घर से बाहर निकल गए। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम चुपचाप अपनी कार में बैठे और वहाँ से निकल गए। हम जब वहाँ से बाहर निकले तो हमने तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। उनके घर से पुलिस स्टेशन काफ़ी ज़्यादा दूर था इसलिए हमें पहुँचने में टाइम लगा। जब हम पुलिस वालों के पास पहुँचे तो हमने उनको हमारे साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। उसी वक्त हमारे साथ पुलिस वाले मैथ्यू के घर पर गए और हमने दरवाजे को पहले से ही खुला छोड़ दिया था। वो दरवाज़ा पहले से ही खुला था। पुलिस वाले हमारे साथ अंदर गए और उन्होंने देखा कि मैथ्यू और उसकी बीवी लिंडा अपने बेड पर सो रहे हैं और उनके चेहरे से खून गिर रहा है। वो लोग बेहोश हो चुके थे। उसी वक्त एम्बुलेंस को बुलाया गया और उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनके चेहरे से काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुका था। करीब 2 दिन बाद उन लोगों को होश आया। मैं और मेरे हस्बैंड मैथ्यू और लिंडा से मिलने भी गए और उनसे पूछना चाह रहे थे कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकतें क्यों की। हमने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। जब लिंडा और मैथ्यू होश में आए और उन्होंने अपनी हालत को देखा और हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों के बारे में सुना तो उन्होंने बोला कि उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने हमारे साथ जो भी घटना की और उन्होंने अपने साथ जो भी हरकतें की उनको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि पार्टी ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमें गेस्ट रूम में सुलाया, उसके बाद वो लोग अपने रूम में जाके सो गए। उसके बाद का उनको कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था। मेरे हस्बैंड ने जब मैथ्यू से उस घर के बारे में पूछा कि उन्होंने ये घर किससे लिया तो उन्होंने बताया कि वो घर उनको बैंक की नीलामी से मिला है और काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिला था। उस घर में जो पहले लोग रहते थे उनकी किसी अजीब तरीके से मौत हो गई थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसके बाद बैंक वालों ने उस घर को अपने अंडर ले लिया और नीलामी में मैथ्यू को भेज दिया। इससे ये तो साबित हो गया था कि उस घर में अभी भी उन लोगों की आत्मा भटक रही है और वो ये नहीं चाहती है कि उनके घर में कोई भी आए। ये घटना जब हमको पता चली तो हमने मैथ्यू और लिंडा के खिलाफ लिखाई हुई रिपोर्ट को वापस ले लिया, लेकिन हम उसके बाद कभी भी मैथ्यू और लिंडा से नहीं मिले क्योंकि हमें अभी भी शक था कि उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो बस कोई इत्तेफाक नहीं था। लेकिन उनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं थी इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे भी क्यों। यही सब सवाल मेरे और मेरे हस्बैंड के दिमाग में घूम रहा था। हमने अपनी रिपोर्ट तो वापस ले ली थी लेकिन उस दिन के बाद से हम कभी मैथ्यू और लिंडा से नहीं मिले।
ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी जापान में, और ये घटना घटी है 2015 में। ये घटना जिसके साथ घटी थी वो एक जापानीज यूट्यूबर थे। उनके यूट्यूब चैनल का नाम ओमेगा टॉकी फिल्म्स था। ये एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। उनको एक घर के बारे में पता चला जहाँ पर एक परिवार में कई सदस्य रहते थे। उस परिवार का जो मेन आदमी था यानी कि हस्बैंड, उसने अपनी वाइफ और छोटी बच्ची का गला दबा दिया था और उन दोनों को कबर्ड में बंद कर दिया था। उसके बाद वो आदमी भाग गया। वो आदमी कहाँ गया उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस वालों ने उस आदमी को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। वो दोनों जहाँ पर रहते थे वो जगह किराए की थी। उसके परिवार की मौत के बाद वहाँ पर कई लोग रहने गए लेकिन वो लोग वहाँ पर रह नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि उनके कमरे में रात में खड़े होकर कोई उनको घूर रहा है। उन लोगों को उस कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, इसलिए उन्होंने उस रूम को छोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ पर कोई भी और पेइंग गेस्ट नहीं रहा। इस यूट्यूब चैनल के जो ओनर है उनका नाम नीरो है। नीरो को जब अपार्टमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने लैंडलॉर्ड से 7 दिन के लिए अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। उन्होंने बोला कि मैं इस रूम में 7 दिन तक रहूँगा और यहाँ पर जो भी घटना घटेगी उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा, और अगर यहाँ पर कोई सच में भूत है तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। लैंडलॉर्ड ने भी इस बात को मान लिया। उसके बाद उन्होंने नीरो को उस अपार्टमेंट को 7 दिन के लिए रेंट पर दे दिया। और अब आगे की घटना मैं आपको नीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम नीरो है और मैं उस घर में 7 दिन तक रुका था। उस घर में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। पहले दिन जब मैं उस अपार्टमेंट में था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। हम साथ में ही रुके थे और सब कुछ नॉर्मल था। उसके अगले दिन मेरा दोस्त चला गया था और मैं उसी रूम में था। उस रात मैं चुपचाप कमरे में लेटा हुआ था और बुक पढ़ रहा था। मैंने कैमरा सेटअप कर दिया था। जो कुछ भी मैं हरकतें कर रहा था वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रहा था। मैंने रूम की लाइट बंद कर दी थी और कुछ देर बाद मैं सो भी गया था। उसी रात मुझे उस रूम के बाथरूम से एक आवाज़ आने लगी, किसी के हंसने की आवाज़। ऐसा लग रहा था कि कोई बाथरूम में बैठ के हंस रहा है। मैंने उस आवाज़ को सुना और मेरी आंखें खुल गई। मैंने तुरंत अपना कैमरा उठाया और धीरे धीरे उस आवाज़ को सुनते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही बाथरूम में पहुंचा, उसमें कोई भी नहीं था। बाथरूम में एक खिड़की लगी हुई थी, वो कांच की खिड़की थी। मैंने जब उस खिड़की की तरफ देखा तो मुझको वहाँ पर एक परछाई दिखी जो उस खिड़की की दूसरी तरफ खड़ी थी। मुझे लगा कि वहाँ पर कोई है। मैंने तुरंत पूछा कि तुम कौन हो। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप वहीं पर ही खड़ी थी। मैं तुरंत बाथरूम से निकला और दरवाजे की दूसरी तरफ से घूमते हुए खिड़की की तरफ गया ताकि मैं देख सकूं कि आखिर बाहर खड़ा कौन है। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे बाथरूम से निकल के बाहर जाने में कम से कम 10 सेकंड लगे होंगे। और वहां पर जहां पर वो खिड़की थी वहां पर एक बड़ी सी बालकनी है, तो किसी के वहां से तुरंत कूदने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं दोबारा बालकनी से घूमते हुए बाथरूम की तरफ आ गया और मैंने देखा कि वो परछाई अभी भी वहीं पर खड़ी है। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। वहां पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। वो परछाई किसकी थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो परछाई काफ़ी देर तक वहीं पर खड़ी रही। मैं 2-3 बार बाथरूम से निकल के बालकनी के पास गया लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो परछाई मुझे बाथरूम से साफ साफ नजर आ रही थी। ये घटना तीसरे दिन मेरे साथ घटी थी। पहले और दूसरे दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। तीसरा दिन हो चुका था और मुझे ये भी एहसास हो चुका था कि वहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। फिर मैं दोबारा कमरे में आके लेट गया। वो चौथा दिन था। मैं रात में चुपचाप लेटा हुआ था। मैं जहाँ पर लेटा था उसके पीछे कबर्ड था। वो वही कबर्ड था जहाँ पर उस आदमी ने अपनी बीवी और बच्ची की लाश को बंद कर दिया था।
मैं उस कबर्ड की तरफ सर करके लेटा हुआ था और तभी अचानक मुझे उस कबर्ड की तरफ से खटखटाने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनते ही मैं चौंक गया। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और फ्लैशलाइट को ऑन किया। मैंने अपने साथ अपना कैमरा भी उठा लिया। मैंने फिर तुरंत कबर्ड को खोल के देखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वो कबर्ड काफी छोटा था, इसलिए वहां पर किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने दोबारा उस कबर्ड को बंद किया और वापस आके अपनी जगह पर लेट गया। मैं अपनी जगह पर चुपचाप लेटा हुआ था और तभी मुझे कबर्ड से दोबारा उस खटखटाने की आवाज आई। मैं फिर दोबारा उठ के उस कबर्ड में देखने लगा और कुछ भी नहीं था। वो आवाज रात भर मुझे आती रही और मैं सो नहीं पाया। उस आवाज के चक्कर में मेरे सर में बहुत जोर से दर्द भी होने लगा था। मैं जितनी बार सोने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि रूम के कोने में कोई खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया और एक दिन और निकल गया। फिर छठे दिन की रात मैं दोबारा अपना सारा काम करके सो रहा था। मैं अपना डेली एक्सपीरियंस कैमरे पर रिकॉर्ड करता था और पेपर पे उसके बारे में लिखता भी था। मैं रात में सो रहा था, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और फिर मेरे सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस रात मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब आखिरी दिन की सुबह मैं उठा तो मेरे शरीर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, ऐसा दर्द जो मुझसे सहा भी नहीं जा रहा था। वो दर्द मेरे साथ क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैरों को किसी ने बहुत जोर से पकड़ के खींचा हो और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। इस रात मुझे कुछ भी नहीं हुआ था और फिर मैंने उस रात कैमरे की फुटेजेस को चेक किया और मैंने जो देखा वो देख के मैं बहुत बुरी तरीके से डर गया था। मैंने देखा कि मैं रात में करीब 2 बजे अपने आप बिस्तर से उठ गया हूँ और बिस्तर से उठने के बाद मैं पूरे कमरे में गोल गोल घूम रहा हूँ। उसके बाद मैं कैमरे के सामने आकर बैठ गया और उसी में घंटों तक घूरता रहा। मैं उस कैमरे पे घूरते हुए आंखें फाड़ के देख रहा था और बहुत ही गंदी स्माइल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मैं हूँ ही नहीं। फिर उस कैमरे में देखते देखते मैं अचानक से रोने लगा। मेरी आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे ये सब करवा रहा हो। ये जितनी भी फुटेजेस रिकॉर्ड हो रही थी कुछ देर बाद इनमें ग्लिच आने लगा और फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे जो कबर्ड है जिसमें से मुझे लगातार खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी उसमें से एक लड़की झांक के मुझको देख रही है और वो सीन देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जब वो लड़की मुझे झांक के देख रही थी उसके बाद भी मैं लगातार कैमरे में घूर रहा था और मैं फिर घंटों तक कैमरे के सामने बैठा रहा। उसके बाद मैं जाके बिस्तर पर सो गया और फिर मैं सुबह उठा। ताजुब की बात तो ये है कि जितनी भी घटना मेरे साथ हुई और ये जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं रात में कब उठा और कैमरे के सामने कितनी देर तक बैठा रहा, क्योंकि उस लड़की की फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड होते ही कैमरा खराब होने लगा। वहाँ पर अभी भी उस बच्ची और उसकी माँ की आत्मा थी जो भटक रही थी। रात के अंधेरे में परछाई में मुझे 2 लोग कोने में बैठे हुए भी दिखे थे जो कि मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ पर हैं। ये अजीब सी घटना मेरे साथ जो घटी है इसको मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो इस घटना से रिलेटेड रियल फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे घटना सुनने के बाद जाकर देख सकते हैं। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये घटना मुझको पंजाब पाकिस्तान से अमीना जी ने भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको अमीना जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अमीना है और मैं पंजाब पाकिस्तान की रहने वाली हूँ और ये घटना मेरी अम्मी के साथ घटी थी जो कि मुझको उन्होंने ही खुद बताई थी। ये घटना मेरी अम्मी के साथ तब घटी थी जब वो 14 साल की थी। उस टाइम वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ कुछ दिनों के लिए गई हुई थी। वो अपने पूरे परिवार वालों के साथ घर के बाहर बरामदे में बैठी हुई थी क्योंकि रात में लाइट चली गई थी। तभी मम्मी की बड़ी बहन ने उनको घर के अंदर से पानी लाने के लिए बोला। उनको बहुत जोर से प्यास लग रही थी। अम्मी तुरंत घर के अंदर गईं और किचन के पास रखे घड़े में से पानी निकालने लगी। वो जैसे ही पानी निकाल के पीछे घूमी उन्होंने देखा
कि अम्मी की बड़ी बहन उन्हीं के पास खड़ी है और वो उनको देख के बहुत बुरी तरीके से चौंक गई। तभी अम्मी ने उनसे बोला कि मैं तो आपके लिए पानी ला ही रही थी, आप अंदर क्यों चली आई। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और अम्मी को गुस्से से देख रही थी। अचानक से उनकी ये हरकत देख के अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर पानी का ग्लास उनके हाथ में पकड़ाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चली गई। जब वो बाहर भागते हुए गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन अंदर सारे परिवार वालों के साथ बैठी हुई हैं। उनको देख के अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। जब उनकी बड़ी बहन ने अम्मी को देखा तो उन्होंने बोला कि मैंने तुमसे पानी मंगाया था, तुम पानी लेकर क्यों नहीं आई। तब अम्मी ने उनको बोला कि अभी वो पानी अंदर आपको दे के आई हैं और अंदर एक औरत है जो हूबहू आपकी तरह दिखती है। जब अम्मी ने ये बात अपनी बहन को बताई और सारे परिवार वालों ने सुनी तो वो लोग इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगे। उनको लगा कि शायद अम्मी किसी तरीके का मजाक कर रही हैं। परिवार के सभी लोग घर के बाहर ही बैठे हुए थे और अंदर कोई भी नहीं था। तभी अंदर अचानक से ग्लास गिरने की आवाज आई। वो ग्लास गिरने की आवाज किचन से ही आई थी। उस आवाज को सुनते ही अम्मी और उनकी बड़ी बहन और उनके छोटे भाई दोनों लोग घर के अंदर भागे। उन्होंने देखा कि अंदर कोई भी नहीं था और खिड़की खुली हुई थी। पानी का जो ग्लास भरा हुआ अम्मी ने अपनी बड़ी बहन को पकड़ाया था वो जमीन पर गिरा हुआ था और पूरा पानी फर्श पर फैला हुआ था। उन्होंने बोला कि अंदर उन्होंने सच में किसी को देखा। उनको लगा कि शायद मेरी अम्मी किसी तरीके का मजाक कर रही हैं। उसके बाद सब लोग बाहर आ गए और उनकी बड़ी बहन फर्श पर गिरे हुए पानी को साफ करने लगी। और तभी उनकी बड़ी बहन ने भी वही चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि किचन के दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी है जो हूबहू उनकी तरह लग रही है। उस औरत को देखते ही उनकी बड़ी बहन भी बहुत जोर से चिल्लाने लगी और घर के सभी सदस्य फिर घर के अंदर आ गए। वो औरत जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने बताया कि वो हूबहू मेरी तरह ही दिख रही थी और बहुत गुस्से से मुझको देख रही थी। उस रात घर में इतनी आवाज़ें हो रही थीं कि अगल बगल मोहल्ले वाले भी आकर घर में देखने लगे। तब सबने बताया कि यहाँ पर कोई था जो हूबहू मेरी दीदी की तरह लग रहा था। उसके बाद सबने बोला कि हो ना हो वो कोई जिन होगा जो रात में घर में आया होगा। वो उस रात घर में क्यों आया था और उसने ऐसी डरावनी हरकतें हमारे साथ क्यों की, हमने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरी अम्मी दीदी के घर को छोड़ के अपने घर चली आई थी और फिर वो दोबारा उनके घर पे नहीं गई। ये एक छोटी सी घटना मेरी अम्मी के साथ घटी थी जो कि मैंने आपको बताई। तो ये थी कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरी घटना से रिलेटेड फुटेज आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये घटना कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।